सबको मेरा नमस्ते। आज कुछ नया स्टार्ट करने जा रही हूँ, एक मुलाकात शालिनी के साथ। ये मेरा ये फर्स्ट एपिसोड है और मैं चाहती थी कि इस एपिसोड में मैं अपने हस्बैंड के साथ ओपनिंग करूँ, क्योंकि फिर आप घर से ही अगर स्टार्ट करते हैं ना तो बहुत अच्छा गुड लक होता है। और मेरे हस्बैंड का काफ़ी अच्छा स्टोरी रहा लाइफ में अचीवमेंट के लिए, तो मैं चाहती हूँ कि इनके बारे में आप लोग जानें। आप सब जानना चाहते होंगे कि राजशेखर जो एक इतना बड़ा एम्पायर खड़ा क्या है, उसका रीजन और उसका राज रहस्य क्या है। तो हियर इज गोज टू राज, स्कूलिंग कहाँ से रहा तुम्हारा? तो जैसे हम लोग का ज्वाइंट फैमिली था, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में थे, तो पापा का पोस्टिंग अलग अलग जगह पे हुआ, गांव में, खास करके गांव में हुआ करता था। तो हम लोग सारे परिवार जहाँ जहाँ पापा का ट्रांसफर होता था चले जाते थे। तो पूरा स्कूलिंग गाँव से हुआ? करीब करीब हम लोग 10th तक तो बिल्कुल गाँव से रिमूव। तो वहाँ पे लाइट्स नहीं होता था, तो हम लोग लालटन होता था ना, लालटन में पढ़ाई करते थे। और फिर कॉलेज कहाँ किए? हाँ, वो इंटरमीडिएट एंड ग्रेजुएशन हम गया से किए। गया यूनिवर्सिटी? नहीं, गया में मगध यूनिवर्सिटी बोला जाता है, लेकिन एक कॉलेज था गया कॉलेज। okay. गया वहाँ से हम किया। ग्रेजुएशन के बाद मेरे को चुनना था, बाई दी वे हम बहुत सारा इंटरव्यू वगैरह देना स्टार्ट किए और उस समय हमारा सिलेक्शन हो गया। एक MCA करके पहले चलता था, मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। हम अपना जो एग्ज़ाम दिए उसमें MCA कम्पीट किए। कम्पीट करने के बाद धीरे समहाउ MCA हमारा नहीं हो पाया एडमिशन, हमें MBA में एडमिशन ले लिया एलएन मिश्रा इंस्टीट्यूट पटना में। वही मेरा मेजर चेंज है लाइफ का। और मेरे फादर इन लॉ बता रहे थे कि उसका फीस भी काफी एक्सपेंसिव था, मतलब तो बहुत मुश्किल से वो मैनेज किए। पेरेंट्स के लिए उस टाइम पे कि 15,000 रुपए एडमिशन फीस में देना MBA के लिए। हमने उनको बताया कि आप सिर्फ मेरा फी अरेंज कर दीजिए, बाकी जो अपना लिवलीहुड चलाना या स्टडी करना है खुद से मैनेज कर लेंगे। तो यू स्टार्टेड डूइंग ट्यूशन? हमने ट्यूशन स्टार्ट किया, एक छोटा सा, बहुत छोटा सा, कहीं हम जाके, क्योंकि पटना में तो पटना में रही हुई हो, तो जहाँ से कॉलेज था और हम रहते थे चितकोरा में, काफी दूर था, डिस्टेंस था, तो हम आने जाने के लिए बचाने के लिए भी हमने साइकिल खरीदा। तो एलएन मिश्रा में प्रॉब्लम क्या होता था कि MBA क्या है, एक पार्टिसिपेटिव कोर्स है जिसमें तुमको क्या ग्रुप डिस्कशन करना होता था, लोगों से बात करना है। सारे इंग्लिश में बात करते थे, मेरे को उतना अच्छा से पता नहीं होता था, और साई भी थे, उतना एजुकेशन टूटा नहीं था। तब मेरे को एक हेल्प किया एक टीचर ने, मेरे को बोला कि तुम स्टडी में अगर 90% ला रहे थे, उसका मीनिंग क्या है, जब तुम बात ही नहीं कर सकते। तो उसने मेरे हेजिटेशन को समहाउ किसी ढंग से तोड़ा। उसने हम इंग्लिश बोलना धीरे धीरे टूटा फूटा स्टार्ट किया, लोग हंसते भी थे हम पे देख के कि कैसा इंग्लिश बात। उस समय मेरा कुछ विजन बना कि भाई मेरे को अब वो नहीं करना है, क्लर्कियल जॉब में नहीं जाना है, कोई छोटे मोटे जॉब में नहीं करना। नाउ आई स्टार्टेड थिंकिंग हाई, बट मेरा वही टर्निंग पॉइंट है जब से हम बहुत सीरियसली किए, जब मेरे को लगा कि इतना पैसा मेरे माँ पापा इसमें खर्च किए हैं तो मेरे को बहुत अच्छा कुछ करना है इसमें। सो हम ये बिजनेस, ये काम जो स्टार्ट किए 92-93, जब हमने पास किया अपना कॉलेज यूनिवर्सिटी, क्रॉस करने के बाद हम कलकत्ता आए, हमारा एक ही ध्यान था कि MBA करने के बाद करना क्या है। और मैं आप लोग एक बात और बताना चाहती हूँ, जब ये MBA करके जब ये कलकत्ता आए तो अपने पेरेंट्स से सिर्फ 500 रुपीज लेके आए, और अपने पेरेंट्स को बोले ये लास्ट पैसा आप दे रहे हो, अब मैं आपसे पैसा कभी नहीं लूंगा और जितना हो सकेगा मैं आप लोग के साथ स्टैंड खड़ा रहूंगा और जितना हो सकेगा मैं घर को देखूंगा। तो वो 500 रुपया से जो आज, उसके बाद तो स्टूडियो आपको ये बताएंगे। नहीं तो फिर वही 95 के आसपास ऐसा एक टाइम आया था जैसे मैं, हमारे घर में कुछ पैसे की भी जरूरत थी, और चूंकि सिस्टर की शादी थी तो पापा इतना अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि उसको करना है। तो वो पार्टनरशिप हम एक्सेप्ट किए जिसमें ये कंडीशन था, मेरे को पैसे का खर्च था। ये बोले बहुत छोटा बात है यार, तुम 2-2.5 लाख रुपए अरेंजमेंट करने के बाद बोलते हो, इमीडिएटली कर लेते हैं। तो दिख रहा था वो, मतलब मेरे को इतना, एक नहीं 3-4 मीटिंग ऑलरेडी कर चुके थे, तुम आ जाओ, वी आर रेडी टू ऑफर यू 30%, 40% जो भी शेयर कर सकते हैं और स्टार्ट कर दो। मेरे को कॉपरेट भी करते थे, तो सारे डिपार्टमेंट में जाके हम धीरे धीरे अपने एक्सपैंड करने लगे। तो मेरा आइडिया भी एक्सपैंड होते चला गया और हम उनके बीच में थोड़ा सा पॉपुलर भी होते चले गए। उस टीम नहीं था, जो मार्केटिंग टीम उनका था वो अवेलेबल नहीं था, आई वॉज द ओनली पर्सन अवेलेबल ऑन दैट डे। सो आई वेंट टू ए 5-star होटल फॉर द फर्स्ट टाइम एंड आई मेट टू दैट कस्टमर, और वो मीटिंग इतना ज़्यादा अच्छा था क्योंकि वो काफ़ी सालों से उसका ओनर लगा हुआ था उस डील को क्रैक करने में। तो मेरा फर्स्ट मीटिंग ही बहुत अच्छा था और आई गॉट फ्यू गुड ऑर्डर्स फ्रॉम दैट कंपनी। तो मेरा फर्स्ट ब्रेक थ्रू था।
तो मेरा कॉन्फिडेंस उस समय जो जाके एक लगा कि जो चीज़ हम सोचे हैं लगता है उधर ही जा रहे हैं और उसी की तरफ हम जा रहे हैं। अब उससे हम एम्बिशन धीरे 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 और हाई करते चले गए। छः महीना ही हुआ नहीं कि यहाँ पे क्या होता है कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनी तीन चार और थी, तो लोगों को मालूम पड़ गया कि भाई ये लड़का एक नया आया है, पढ़ा लिखा लड़का है, ये काम कर रहा है, काफी नॉलेजेबल है, तो क्यों इसको हायर करता है। हाँ, तो हाईजैकिंग टाइप का चीज होने लगा। मेरे पास तीन जगह से ऑफर आ गया पार्टनरशिप के लिए, नहीं नहीं काम करने के लिए। अब जब मान लो एक सैलरी जो भी था उसे एक एक्सीड करके सैलरी देके मेरे को लोग ऑप्ट करना चाहता था। हम दूसरे जगह स्विच ओवर भी किया, छह महीना के अंदर हम दूसरे कंपनी में लिए, मेरे को एक अलग पोस्ट दिया गया, एक्सपोर्ट मैनेजर बनाया गया वहाँ पे। तो आई स्टार्टेड डूइंग एवरीथिंग, तो वो भी बड़ा अच्छा था मेरे लिए। छः महीना के अंदर दे सेंड मी टू, चूंकि वहाँ पे एक ही ऑप्शन था मेरा, एक ही कैटेगरी, यहाँ पे मेरे को फॉरेन जाने का ऑप्शन नहीं था, बिकॉज दैट टाइम थोड़ा प्रॉब्लम भी था कि बैचलर्स को लोग वीजा नहीं देते थे और कुछ गारंटी वारंटी देना पड़ता था, तो मेरे को उन्होंने वो किया, एक्सेस दिया नहीं था। तो मेरा फर्स्ट ट्रैवलिंग आया था एक साल के बाद, जर्मनी का ट्रैवलिंग मिला था। आई वॉज ओवर एक्साइटेड, ओवर एक्साइटेड, गांव से पटना, पटना से कलकत्ता, कलकत्ता से सीधे जर्मनी। हाँ, और उस दिन क्या हुआ, फादर मदर सारे लोग आ गए कि इसको फॉरेन जाना है, एक बड़ी बात होती है। पहले के टाइम में क्या एक अचीवमेंट था फॉरेन जाना, थोड़ा बैड लक हमारा हमेशा कुछ ना कुछ होता था। सारा कुछ जब हो गया, लास्ट में कुछ कुछ ऐसा प्रॉब्लम आया कि हम ट्रैवल नहीं कर पाए। एनीवे फिर भी हम वहाँ हार नहीं माने। मेरा वो 24th अप्रैल से 30th अप्रैल तक मेरे को याद है कि स्लीपलेस नाइट हुआ करता था, बहुत बेचैन रहते थे, इतने परेशान रहते थे कि पता नहीं क्या करना है, लाइफ कैसे जाएगा, क्या होगा। लेकिन क्या होता है, बोलते हैं ना कि इफ यू हैव विल, और तुमको अगर मन में कुछ करने का है ना, तो कोई ना कोई रास्ता भी भगवान निकाल ही देता है। नेवर बोलता है कि राज दिस इज योर बिगनिंग, यू विल कम बैक विद द फ्लाइंग कलर्स, डोंट बी डिसहार्टेन, स्टार्ट अगेन। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु कोऑपरेट मी दिस वे, डोंट इन्वॉल्व इन टू एनी अदर थिंग्स, यू जस्ट फोकस ऑन योर जॉब एंड वी आर रेडी, आई एम वन ऑफ योर कस्टमर, आई एम रेडी टू हेल्प यू विद ऑल रिस्पेक्ट। सो ही गेव मी जस्ट अ लिटिल यू नो दिस कॉन्फिडेंस इन टू मी एंड रियली आई बाउंस बैक जस्ट उसका प्लान करके। और चूंकि मेरे पास इतना उस समय ऑफर भी हुआ करता था, एक दूसरे के साथ हमारा फिर से पार्टनरशिप हो गया विद इन 10 days। तो पहले तो दो पार्टनर के साथ, अब एक सिंगल है, एक था एक सोमनाथ पुदार करके एक लड़का था। कौन सा ईयर था ये, 2000 सोमनाथ चूंकि बेल्जियम में रहा करता था, हम यहाँ देखते थे, तो मेरा उस समय से मार्केटिंग धीरे धीरे कम हो गया एंड आई वॉज लुकिंग आफ्टर मोर टूवर्ड्स एवरीथिंग अदर पार्ट्स, बिकॉज मार्केटिंग उसको वो देखता था उस समय। लेकिन अब किस्मत में कुछ और लिखा हुआ था। सब जानते ना कि जब पार्टनरशिप, कोई ना कोई पार्टनर तो चीटिंग करता ही है, तो इनके साथ भी हमारे साथ भी लाइफ में इतना बड़ा झटका लगा था। 2000 में 24th अप्रैल को हम लोग के जो पार्टनर थे काम बिजनेस के, वो उनको ऐसा झटका दिए कि हम लोग रोड पे आ गए। नॉट हम लोग के पास इतना भी रेंट का भी पैसा नहीं था कि हम लोग रेंट भी घर का दे सकेंगे। आई जस्ट बाउंस बैक और मैं सोचा कि नहीं, मेरे को ये सब काम नहीं करना है, आई हैव टू रीगेन, आई हैव टू रीस्टार्ट, जैसे भी होगा मेरे को अकेला करना है और जैसे भी करना है। वीक ऑफ मई में हम फिर से ट्रैवल किए यूरोप में, सारे कस्टमर से मिले, सारे कस्टमर से बिना अपॉइंटमेंट का मिले, जबकि ऐसा होता नहीं है। यूरोप में कहीं जाना हो या किसी कस्टमर से मिलना, तो वो प्रॉपर अपॉइंटमेंट लेना होता है, और तुमको पता है वीज़ा वीज़ा लेने में वो कितना उसमें प्रॉब्लम हुआ था, पैसे नहीं थे। तुम्हारे पापा या हैट्स ऑफ हिम और रियली आई रिस्पेक्ट हिम, इज नो मोर नाउ, बट उन्होंने जो हेल्प उस टाइम मेरे को किया है, वो लाइफ चेंज किया मेरे को। 1,00,000 रुपए ही साल लेकर आए थे। तो लगता है कि भाई वो तो कहाँ चले गए मालूम नहीं। अभी इस इंडस्ट्री में तो आज मेरा काफ़ी अच्छा नाम है, एवरीबडी नोज में, लेकिन दो तीन आदमी का तो हम खास करके याद करते हैं। मेरा एक फ्रेंड फिरोज याद है, जो इटली में अभी बहुत हेल्प किया था मेरे को, तुम लोग का हेल्प, पूरे फैमिली का हेल्प, तुम्हारा तो खास करके जितना कोऑपरेट किया मेरे को। तो बताओ अच्छे से। बहुत बहुत लकी भी हो, तुम्हारे लिए बहुत लक। एक बोलते हैं ना, बिजनेस खाली ऐसे नहीं होता है, फॉर एवरी किसी भी सक्सेस के पीछे एक लेडी का हाथ होता है ना, जिसमें जरूर तुम्हारा नाम है और तुम्हारा हाथ है कहने का मतलब।
हमारी मदर का बहुत बड़ा विशेष है, फादर का है, रवि मेरा छोटा भाई जो थ्रू आउट मेरे साथ रहा है, तो उसका हेल्प बहुत ज्यादा मिला है। तो फैमिली का तो सबसे बड़ा सपोर्ट होता है जो हम लोग को बराबर मिला है। एक और चीज आपसे शेयर करना चाहती हूँ, मेरे हस्बैंड बचपन में गांव से वो बिहार में पटना भी नहीं गए थे, ये कभी सोचे भी नहीं थे कि वो गांव से आज वो यूरोप और अमेरिका मोर देन 40 कंट्रीज कवर करना, ये जिंदगी में ये नहीं सोचे थे। तो कैसा फील होता है? नहीं, अब तो ये नॉर्मल लगता है, लेकिन ठीक है, ये ड्रीम तो जरूर था हम लोग का, और खास करके शादी के बाद ही हम लोग ट्रैवल ज्यादा किए हैं। तो हमारे ख्याल से हम लोग वर्ल्ड वाइड सभी जगह काम कर रहे हैं आजकल। यूरोप हमारा ऐसे मेन मार्केट है, यूरोप तो हम लोग करीब करीब हर एक कंट्री में काम करते ही हैं। जर्मनी मेरा मेन है, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, हॉलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, हनी, ग्रीस, साइप्रस, इसराइल, यूएस, कैनेडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, हर एक कंट्री में जितने भी हमारे कस्टमर्स है ना, सबके साथ रिलेशनशिप बिल्कुल फैमिली की तरह है। वी आर ऑल लाइक फैमिली, बिल्कुल प्रोफेशनल वे में काम ही नहीं करते हैं। कितने बड़े बड़े लोगों के साथ काम करते हैं, हम लोग बस ब्रांड कैसा है, कैमल एक्टिव के साथ काम करते हैं, बुगाटी के साथ काम करते हैं, ली कूपर के साथ काम करते हैं, वैलेंटिनी के साथ काम करते हैं, जोवानी के साथ काम करते हैं, ओल्ड रिवर के साथ करते हैं, प्राइम हाइड है, स्टील लॉर्ड है, they are like today, they are talking like you know family members. We go, we have dinner together all the time. हम लोग बिजनेस का बात कितना करते हैं? Hardly. And also हम लोग का एक्सपोजर इसके वजह से भी है, हम लोग ट्रेड शो बहुत किए, और खास करके हम तुम करी करी सारा ट्रेड शो किए, चाहे वो यूएस का हो, चाहे जर्मनी में हो, इटली में हो, वी हैव डन ऑलमोस्ट ऑल ट्रेड फेयर्स। सो सी यू नेक्स्ट एपिसोड, एक मुलाकात विद शालिनी विद सम अदर गेस्ट, सो जस्ट वेट एंड वॉच। थैंक यू सो मच। अगर आप लोग अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर। अगर किसी को बहुत अच्छा स्टोरी आपके पास हो और आप चाहते हो कि YouTube के थ्रू आना, तो प्लीज मेरे को आप टेक्स्ट करना, स्पेशली लेडीज। थैंक यू।